जय मसीह की। मेरे यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं और आज एक बार फिर मैं आपके पास वचन लेकर आया हूं। इंसान परमेश्वर का पुत्र कब और कैसे बन सकता है? तो बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने इंसान को बनाया। तो क्या परमेश्वर ने हम इंसान को बनाया तो वो हमारे पिता नहीं हुए, हम उनके बेटे बेटी नहीं हुए? लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते रोमियां उसका 9:6, 7, और 8 वचन, और मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। परंतु यह नहीं कि परमेश्वर का वचन टल गया, इसलिए कि जो इज़राइल के वंश के हैं वे सब इज़राइली नहीं। परमेश्वर का वचन तो ऐसा कहता है कि जो इज़राइल के वंश के हैं वे सब इज़राइली नहीं है। फिर ऐसा लिखा है, और न इब्राहिम के वंश होने के कारण सब उसकी संतान ठहरे। मैं जो इब्राहिम के अंश होने के कारण वो सब इब्राहिम के संतान है ऐसा भी नहीं है। परंतु लिखा है कि इसहाक ही से तेरा वंश कहलाएगा, मतलब इस्माइल को ठुकरा दिया लेकिन इसहाक से वंश कहलाएगा। फिर लिखा है, अर्थात शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं परंतु प्रतिज्ञा के संतान वंश गिने जाते। यहाँ पर बहुत स्पष्ट लिखा है, शरीर की संतान वो परमेश्वर की संतान नहीं है। तो ऐसा नहीं कि परमेश्वर हमको बना दिया तो हम परमेश्वर के संतान हो गए। लेकिन परमेश्वर की संतान हम कैसे बन सकते? तो हम बाइबल में पढ़ते हैं रोमियां उसका 8 अध्याय और हम पढ़ेंगे उसका 14 वचन, रोमियां 8:14। यहाँ पर ऐसा लिखा है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र है। जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता है वही परमेश्वर के पुत्र है, ऐसा यहाँ पर लिखा है। और एक वचन पढ़ता हूँ उसी का, यूँ रोमिया 8:17, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगे वारिस हैं, जबकि हम उसके साथ दुख उठाए कि जिसके साथ महिमा भी पाए। अगर बच्चे है तो वारिस भी है, तो वारिस कब होंगे? तो बोले जब परमेश्वर के साथ दुख उठाए तो परमेश्वर के पुत्र जो है वो कौन, कब और कैसे बन सकता है? तो परमेश्वर के पुत्र वही है जो पवित्र आत्मा के चलाए जो चलते रहते। अभी समझो कि कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, मतलब कोई बीकॉम कर रहा है या कोई बीए कर रहा है या कोई बीएससी कर रहा है, उसमें 3 साल लगते, तो ऐसा कह सकता है कि मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। लेकिन ग्रेजुएट हुआ ऐसा नहीं बोल सकता, वो ऐसा बोल सकता है कि 3 साल के बाद मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगा। लेकिन हो सकता है बीच में पढ़ाई छोड़ दे, तो हो सकता है वो फेल हो जाए, तो हो सकता है दूसरी बार एग्ज़ाम ना दे, तो वो ग्रेजुएट कब कहलाएगा? 3 साल के बाद, 3 साल की एग्ज़ाम पास करने के बाद जब उसको कॉलेज की ओर से सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि ये ग्रेजुएट हो चुका, तभी कह सकते। लेकिन 3 साल क्या कहा जाएगा कि वो ग्रेजुएशन कर रहा है। उसी तरह से जितने लोग पवित्र आत्मा से चलते हैं वो पवित्र आत्मा से चलाए चलने के कारण परमेश्वर के पुत्र तो है, लेकिन आखिर तक नहीं बने रहे, तो बीच में कहीं रुक गए। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो वापस मुड़ जाते हैं। डिमास नाम का एक चेला था जो पौलुस के साथ रहता था, लेकिन 2 तीमोथी 4:10 में लिखा है वो वापस मुड़ गया था। तो एक वक्त था वो परमेश्वर का पुत्र था, लेकिन वहाँ से वो वापस चला गया। तो अगर कोई बीच में से पढ़ाई छोड़ दे तो वो ग्रेजुएशन पूरा नहीं कर सकता और उसको ग्रेजुएट नहीं कहा जा सकता। उसी तरह से अगर परमेश्वर के रास्ते पर चलते चलते, पवित्र आत्मा के चलाए चलते चलते अगर कोई वापस मुड़ जाए तो फिर वो परमेश्वर का पुत्र जो है वो नहीं रहता। और इसलिए बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते रोमियां उसका 1 अध्याय और उसका 4 वचन, और यहाँ प्रभु यीशु के बारे में लिखा है, और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण, मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। ये प्रभु यीशु को सर्टिफिकेट मिला कब? जब मरकर जिंदा हो गए ना, तब ये सर्टिफिकेट मिला कि हाँ तू परमेश्वर का पुत्र है। प्रभु यीशु बोलते थे मैं परमेश्वर का पुत्र, क्योंकि पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते थे।
लेकिन सही में सर्टिफिकेट कब मिला? जब मुर्दों में से जी उठे न, तब तब वो सर्टिफिकेट मिला, तब वो सही में परमेश्वर के पुत्र जो है वो परमेश्वर के पुत्र वो ठहरे। और इसलिए बाइबल में लिखा है, हम पढ़ते हैं पहला कुरंथी और उसका 15 अध्याय और हम पढ़ेंगे उसका 22 और 23 वचन। यहाँ पर ऐसा लिखा है, और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसा ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से, पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग, मतलब मसीह के लोग, जो मसीह के लोग हैं वो उठाए जाएंगे। जिस दिन प्रभु यीशु आ गए और जितने लोग उठाए गए वही परमेश्वर के सच्चे पुत्र। तब तक इंसान चाहे कितना भी बोले मैं परमेश्वर का पुत्र, मैं परमेश्वर का पुत्र, उसके बोलने से कुछ नहीं होने वाला। आखिरी दिन अगर उठाया गया तो ही वो परमेश्वर का पुत्र है। और इसलिए जो सर्टिफिकेट मिला है कि हम परमेश्वर के पुत्र है कि नहीं, वो जब प्रभु यीशु आएंगे दूसरी बार और हम उठेंगे तो सर्टिफिकेट मिलेगा, वरना नहीं। और इसलिए पवित्र आत्मा में चलते रहो। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।